ये महंगे पॉपकॉर्न और पेप्सी का भी एक अलग ही स्वाद है जो कि कभी कभी अच्छा लगता है, बार बार नहीं। तो 1.5 साल बाद मूवी देखने जा रहा हूं मैं। लास्ट देखने गया था टाइगर 3 की बागी टाइगर 3 या टाइगर श्रॉफ की बागी 3। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। 10 बजे का शो है, 9:45 यहीं पे हो चुके हैं। अभी घर से निकलूंगा, जाके टिकट भी लेनी, मैंने अभी तक टिकट भी नहीं खरीदी थी। मैं अपने कजिन्स के साथ ही जा रहा हूँ क्योंकि वो लोग आज निकल रहे हैं और मैं उनको कहीं नहीं घुमाया इस बार आए, तो मैंने सोचा चलो मूवी लेके जाता हूँ, इस बार ने मेरे को भी थिएटर जाना हो जाएगा। तो अभी फटफट चलते हैं उधर जाके, देखते हैं क्या सीन है। ऋषि कितने टाइम बाद ऑटो में ट्रैवल कर रहा है? बहुत टाइम बाद गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई, इसलिए आज ऑटो में ट्रैवल करना पड़ रहा है। और बारिश का मौसम है तो एक्टिवा लेना मेरे को नहीं चाहिए कि मैं गीला हूँ। 10 बजे का शो है, हम 10:15 बजे वीआर मॉल पहुंचे हैं। अभी जाके देखते हैं टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमको, और फिर लेट का शो लेना पड़ेगा थोड़ा हमको। चलो, और अभी हम आ गए आइनॉक्स में, पूरा खाली पड़ा है, शायद अंदर थोड़ी सीट्स है, क्राउड जाते हुए देखा तो था, अभी चलते हैं देखते हैं। तो गाइस मूवी काफ़ी अच्छी थी, बस एक बात मैं बोलूँगा कि बॉलीवुड मूवी बहुत प्रिडिक्टेबल होती जा रही है। हम लोग हर चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हाँ ये होगा, बट ये मूवी का एक मज़ा था कि थिएटर में देखने में ही मज़ा आती, घर पे नहीं आती। एंड बहुत टाइम बाद थिएटर में आके अच्छा भी लगा, मज़ा आया मूवी देखने में। अगर आप लोग के शहर में थिएटर खुल गए तो जाके देखो, बहुत मज़ा आएगा। हाय यशी। हाय डीजे। क्या हो गया, इतनी थकी हारी क्यों है? बहुत काम किया ना आज। तो अभी पता है दोनों साथ में ही काम करते हैं, तो अब मुझे बहुत इग्नोर करते हैं। मुझे ऐसा कभी कभार फोमो फील होता है यार। सही, आपको लगता है नया सा लगता है क्या? हाँ डीजे भी करेगी। हाँ ठीक है, करती है। मैं ना भूल ही गया, मैं मूवी का रिकॉर्ड किया और उधर आके मैं जिम में गया, मैं कुछ शूट नहीं किया। अभी याद आया कि मैंने ब्लॉग चालू ही नहीं किया वापस। नहीं, मेरे भाई ने बहुत जोरदार आर्म्स मारे हैं। जिम भी गया मस्त, अभी इधर एपिसोड में बैठे और फिर मैं मूवी का एक अच्छा रिव्यू आपको बताऊंगा। तो मैं घर पे आया, उसके बाद वापस बाहर निकल गया क्योंकि इतना अच्छा, इतना प्यारा मौसम हो रखा है आज बाहर, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो मस्त एक्टिवा पे एक राइड लेकर आया और इतना ऐसा रिलैक्स हो गया पूरा। ये आँखों से देख के आपको लग ही रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि 3-4 दिन बिल्कुल वर्कआउट किया नहीं, और आज बहुत मस्त वर्कआउट किया। बॉडी थक गई है, आंखों में नींद भरी पड़ी है, और मैं अभी इधर ऐसा डेस्क पे बैठा था, विंडो खोल के मस्त गाने सुन रहा था, बहुत ऐसा अच्छा वाइब आ रहा था। बैठे बैठे दिमाग में आया कि यार ब्लॉग तो कंटिन्यू किया नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे मूवी कैसी लगी। स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी थी, डायरेक्शन भी अच्छा था, थोड़ा मुझे बीच में स्लो लगी मूवी। अक्षय कुमार 10 आउट ऑफ 10, क्या एक्टिंग, और बेल बॉटम्स उन्होंने जिस तरह से कैरी किए, क्या सेक्सी लग रहा है ना उनके ऊपर, वो लुक बहुत मस्त लग रहा है मेरे को अक्षय कुमार का। बट एक चीज़ जो मुझे लगा कि क्लाइमैक्स काफ़ी अच्छा था, बट थोड़ा और दमदार रखते कि लास्ट में जो आप वो मूवी देखोगे, मैं स्पॉयलर्स देने वाला बंदा नहीं हूँ, तो हाँ मुझे स्पॉयलर्स लेना काफ़ी पसंद है पर मैं देता नहीं स्पॉयलर्स। और OTT का एक ऐसा आदत डाल दिया ना कि अभी गाने वाने आते हैं OTT में, मैं तो स्किप कर देता हूँ। अभी इस थिएटर में तो स्किप कर नहीं सकते, तो मुझे गाने सुनने नहीं थे, तो मैं आगे वो मुझे थोड़ा लगा कि OTT का आदत हो गया, बट स्टिल बहुत अच्छा लगा। 1.5 साल बाद थिएटर गया, ये महंगे पॉपकॉर्न और पेप्सी का भी एक अलग ही स्वाद है जो कि कभी कभी अच्छा लगता है, बार बार नहीं। आपके सिटी में मोस्टली तो मेरा सूरत का ही क्राउड दिखता है, तो जाके देखो और कमेंट में बताना आप लोगों ने अगर देख लिए तो आपको कैसी लगी है। खैर आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मज़ा आया, पॉजिटिव था थ्रू आउट द डे और एनर्जेटिक भी था। अब थक गया हूँ और इधर बैठा हूँ, इधर बैठने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, मस्त गाने चलते हैं। और आज थोड़ी ठंडक फील हो रही है, बस व्यू नहीं है थोड़ा, इधर बाहर बिल्डिंग ही है, व्यू होता तो ऐसा सोने पर सुहागा। मैं ड्राइव पर भी स्कूटी पर निकला ना, वहाँ पर एक जगह पर एक रोका मैंने, वहाँ से ऊपर बहुत सारे स्टार्स दिख रहे थे, बहुत सारे मतलब क्लियरली दिख रहे थे, और इतनी ठंडी हवा, बहुत अच्छा लगा मेरे को वहाँ बैठ के। यूजुअली मैं बहुत टाइम बाद मैं ऐसे बैठा, स्टार गेजिंग करना पसंद है मुझे, और ऐसे मौसम में रनिंग जॉगिंग करना भी मेरे को पसंद है, बट ताकत थी नहीं, वॉक करने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए मैं स्कूटी पे निकला और थोड़ा सा हवा का लुफ्त उठाया मैंने। तो और बताता हूँ, उस रील पे भी 3.7 मिलियन व्यूज हो गए इंस्टाग्राम पे, अगर आपको फॉलो करते हो तो पता होगा, नहीं करते हो तो अभी जाके करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ कि वो 3.7 मिलियन अभी भी उतनी खुशी नहीं दिए मुझे। हाँ मैं खुश हूँ कि भाई ठीक है, इतना ऐसा एल्गोरिथम में हिट हो गई, मेरे बाकी वीडियोस को भी बूस्ट मिला, बट वो रहता है ना यार, अगर आपको पता है कि आप में उससे ज़्यादा पोटेंशियल है, आप बहुत काम कर सकते हो, एंड उस
को नहीं मिले, मतलब समझ गया मेरी बात तो वही है। और अभी तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज रिक्वेस्ट में 100 के ऊपर मैसेज रिक्वेस्ट है। कुछ बहुत लेम है, किसी ने गाली गलौज भी लिखी है और किसी ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भी लिखे हुए। फिर भी इंस्टाग्राम खोलने से मेरे को भी मन ही नहीं करता इंस्टाग्राम खोलूं, बट नहीं, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो थोड़ी बहुत रील्स बना रहा हूँ, डांस रील्स वापस बनाना चालू करूंगा मैं। अभी भी लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा और ज़्यादा मैनेज करनी है चीज़ें और थोड़ा और प्रोडक्टिव काम करना है दिन में, बट करेंगे। और इसलिए मैं व्लॉग में बोल रहा हूँ कि मैं बोलूँगा तो प्रोबेबली मैं कुछ करूँगा भी। तो मैंने कहा था ये जगत बंधु आपको कभी ना कभी एक बड़े पर्दे पे जरूर देखने को मिलेगा। कह रहे हैं करके जरूर दिखाएंगे, पर खैर बातें बहुत हो गई, अभी व्लॉग एंड करने का समय आ गया है। थोड़ा शॉर्ट व्लॉग बनाऊंगा, बट मुझे आज व्लॉग करने का मन था, मैंने व्लॉग किया। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, ये सेकेंड तक देख रहे हो, तो थैंक यू सो वेरी मच। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करो कैसा लगा, कोई भी सुझाव हो आपके वो भी कमेंट करिए। ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ध्यान रखिएगा अपना, भगवान से शुक्र गुजार रहिएगा कि इतनी ब्यूटीफुल जिंदगी मिली, ये ब्यूटीफुल चैनल तक आप पहुँचे। तो ध्यान रखना अपना, मिलते हैं ऐसे किसी अगले व्लॉग में, हम आप और वो। टाटा बाय, टेक केयर।